हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है मेरी अल्फाबेटिकल सीरीज चल रही है, तो आज बारी है लेटर एल की, एल से लोटस टेम्पल। तो आज मैं आ चुका हूँ लोटस टेम्पल को कवर करने के लिए। तो चलते हैं फिर वीडियो में, जो भी होगा मैं आपको डिटेल सारी शेयर करूंगा, तो बने रहिए वीडियो में, चलते हैं। लोटस टेम्पल आने का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपका कालकाजी मेट्रो स्टेशन पड़ेगा, गेट नंबर 2 और गेट नंबर 1 से एग्जिट करने के बाद। आपको गेट नंबर 2 से एग्जिट करते हो तो आपको ये सेम सीधा 400 मीटर की दूरी पे आपको लोटस टेम्पल देखने को मिल जाएगा, और एक नंबर आपको उस साइड से भी सेम डिस्टेंस पड़ेगा। आप चाहो तो ऑटो वगैरह करना, ऑटो वगैरह भी कर सकते हो, उनका सेम प्राइस रहेगा, रीजनेबल रहेगा 20-30 रुपीज़, लेकिन आप वॉकिंग डिस्टेंस से भी कवर कर सकते हो। दोस्तों ये मेट्रो के भी पार्किंग में आप पार्क कर सकते हो। लोटस टेम्पल में आने के लिए आपको उस वे से मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से निकलने के बाद आपको सीधा आना पड़ेगा, राइट साइड मिलना पड़ेगा। यहाँ पे आपको काली माता जी का, कालका जी का मंदिर दिखेगा, राइट लेके आपको लेफ्ट में लोटस टेम्पल के दर्शन हो जाएंगे। अभी चलते आगे आपको दिखाते हैं। उस रास्ते से चल के जब आप राइट में आओगे तो आपको प्रवेश द्वार मिल जाएगा। तो चलते हैं, एंट्री करते हैं, और इस मंदिर की टिकट भी बिल्कुल फ्री रहने वाली है। हाँ, बैग चेकिंग के बाद फिर आप अंदर जा सकते हो। मंदिर की एंट्री बिल्कुल फ्री होने वाली है, इसकी टाइमिंग है 8:30 से 6:30 बजे तक, और जो ये मंडे को बिल्कुल क्लोज रहता है बिल्कुल ही। तो दोस्तों हम आ चुके हैं चेकिंग करने के बाद। आप लोग देख सकते हो ये गार्डन काफी खूबसूरत है, और बारिश के समय में इसकी खूबसूरती और ज़्यादा निखर गई है। आप लोग देखो, और आपको लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा लोटस टेम्पल। चलो आपको दिखाता हूँ, बहुत अच्छा ही काफ़ी अच्छा व्यू, आपको फूल वगैरह दिख रहे होंगे। यहाँ पे गार्डन बहुत ही सुंदर हो रखा है, आप लोग देख सकते हो काफ़ी पर्यटकों की भीड़ होगी यहाँ पे। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे लोटस टेम्पल के सामने कितने पर्यटक हैं यहाँ। लोटस टेम्पल का निर्माण 24 दिसंबर 1986 में पूरा हुआ था, और इसका डिजाइन बहाई वास्तुकार फरी बोझ सबूबा ने तैयार किया था। मंदिर का निर्माण संगमरमर से किया गया है। लोटस टेम्पल को बहाई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर का निर्माण बहाई समुदाय ने करवाया था। एंट्री यहाँ से आपको डायरेक्ट यहाँ पे हल्का सा आना, उसके बाद आपको दिख जाएगा कितना अच्छा व्यू है। लोटस टेम्पल का डिजाइन एक खुले कमल के फूल की तरह दिखता है। मंदिर में संगमरमर की 27 पंखुड़ियां हैं। मंदिर के चारों ओर पानी का पूल है, जो ये दर्शाता है कि कमल का फूल हमेशा पानी में ही रहता है। मंदिर सभी धर्म और संस्कृतियों के लिए सामान्य प्रार्थना का स्थल है। लोटस टेम्पल को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया है, जिसमें से एक है यूनेस्को का पुरस्कार। लोटस टेम्पल दिल्ली की एक महत्वपूर्ण पहचान है। इस मंदिर के निर्माण में 800 से अधिक मजदूरों ने काम किया है। दोस्तों बारिश के कारण इस मंदिर की एंट्री अभी बंद कर दी गई है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस मंदिर के राउंड के चक्कर लगा के आप बाहर जा सकते हो। वीडियोस तो खैर अलाउ नहीं है, बाकी फोटोशूट वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी चीजें मिलेंगी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आपको सारी डिटेल मैं प्रोवाइड करूंगा इस व्लॉग में, तो व्लॉग में बने रहिए। मंदिर 12 एकड़ के हिस्से में फैला हुआ है। मंदिर के अंदर कोई भी मूर्ति नहीं है। मंदिर के अंदर एक बड़ा सा हॉल है, जिसे एक साथ 2500 लोग प्रार्थना कर सकते हैं। यह मंदिर प्रेम, शांति और एकता का प्रतीक है। मंदिर के बाहर एक बहुत ही बड़ा और सुंदर बाग है, जिसमें कई प्रकार के फूल और पौधे हैं। दुनिया भर के पर्यटक इस भारत के लोटस टेम्पल को देखने आते हैं और प्रार्थना करते हैं। लोटस टेम्पल भारत की एक महत्वपूर्ण धरोहर है।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।